दोस्तों आईपीएल 2022 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने एक शानदार शुरुआत की है, जहां पर आरसीबी ने शुरुआती 7 में से 5 मुकाबले जीत लिए और इंटरेस्टिंगली पिछले 2 सीजन में फर्स्ट हाफ के मुकाबले आरसीबी आसानी से जीत जाती है। यानी कि 2020 में भी शुरुआती 7 में से 5 मैच आरसीबी ने जीते थे और 2021 में भी शुरुआती 7 में से 5 मैच आरसीबी ने जीते थे और ऐसा ही आरसीबी ने 2022 में भी किया है। लेकिन असली कहानी स्टार्ट होती है इसके बाद, जहां पर आरसीबी चौक करती है और फिर मैचेस आना स्टार्ट करती है। 2020 में गिरते पड़ते क्वालिफाई हुई थी, 2021 में क्वालिफाई हुई लेकिन एलिमिनेट हो गई। तो ये चीज़ें इस साल ना हो, इसके लिए इनको करना होगा टॉप 2 में फिनिश, ताकि फाइनल में जाने के लिए 2 मुकाबले मिले। और दोस्तों उस हिसाब से सनराइजर्स के खिलाफ जो ये मुकाबला है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर इसको जीतेंगे तो एक कदम और आगे पहुँच जाएंगे। वहीं पर अगर हारते हैं ना, तो फिर मोमेंटम लूज होने का भी खतरा है। वहीं पर दोस्तों आरसीबी के लिए चार बड़ी अपडेट्स जो हैं वो निकल कर आ रही हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, एंड तक ज़रूर से देखिएगा। और क्रिकेट और आईपीएल की हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। तो भैया पहली अपडेट निकल कर आ रही है आरसीबी के लिए, आरसीबी वर्सेज एसआरएच मैच को लेकर। दरअसल दोस्तों एसआरएच के तेज़ गेंदबाज या फिर कहें कि सुपर फास्ट गेंदबाज उमरान मलिक ने एक बड़ा बयान दिया है विराट कोहली को लेकर, जहां पर उन्होंने बोला कि मैं विराट कोहली और केएल राहुल का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं और लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में मैं केएल राहुल का विकेट नहीं ले पाया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि विराट भैया का विकेट मैं ले सकूं। दोस्तों मलिक को एसआरएच ने नटराजन के रिप्लेसमेंट के तौर पर थोड़े समय के लिए लिया था और मलिक ने अपनी फ्रेंचाइजी को यह बता दिया है कि उनमें क्या काबिलियत है। अभी तक के 6 मुकाबलों में वो 9 विकेट चटक चुके हैं और अपनी तेज तर्रार गति से 9 बल्लेबाजों को चकमा दे चुके हैं। इसके बाद बात करेंगे दूसरी अपडेट की, तो दूसरी अपडेट आ रही है संजय मांजरेकर के रोहित और कोहली के ऊपर दोगले बयान को लेकर। जी हां, मांजरेकर दोस्तों पहले भी कई बार अपने बयानों को चलते सुर्खियों में आ चुके हैं और एक बार फिर से इन्होंने ऐसा ही एक बयान दिया है। दरअसल दोस्तों इन्होंने कहा कि रोहित शर्मा अच्छी शुरुआत कर रहे हैं और साथ ही 20 रन बना रहे हैं और जब वो खेलते हैं तो अच्छे टच में दिखाई देते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ विराट कोहली की तरह रोहित शर्मा खराब दौर से नहीं गुजर रहे हैं। दोस्तों अंडरलाइन कीजिएगा इस स्टेटमेंट को, विराट की तरह रोहित खराब दौर से नहीं गुजर रहे हैं, जबकि रोहित शर्मा के भी 7 मैचों में 114 रन है, मतलब विराट से भी कम रन है, लेकिन फिर भी रोहित खराब दौर से नहीं गुजर रहे हैं। उनका विराट कोहली की तरह खराब पैच नहीं है, वो बल्लेबाजी करते वक्त अच्छे फॉर्म में नजर नहीं आते हैं। रोहित की मशीनरी शीर्ष स्थिति में दिखती है और वो अच्छी शुरुआत भी करते हैं, लेकिन फिर अचानक आउट हो जाते हैं। जॉस बटलर की तरह वो बड़ा स्कोर नहीं बना पा रहे हैं, जिसकी जरूरत मुंबई इंडियंस को है। तो मतलब इन्होंने कहा है कि सीधे सीधे शब्दों में कि विराट और रोहित में से रोहित अच्छे फॉर्म में है, जबकि विराट का बुरा दौर चल रहा है ऐसा। जबकि विराट कोहली ने केवल एक चीज गलत की है कि उनके बैट से शतक नहीं है, बाकी उन्होंने काफी अच्छी पारियां खेली है, कई बार 50 प्लस स्कोर भी किया है, लेकिन उनके बावजूद मांजरेकर ने ये दोगला बयान दिया। अब आप इस दोगले बयान पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बात करेंगे इसके बाद तीसरी अपडेट की, तो वो निकल कर आ रही है प्लेइंग 11 को लेकर। जी हाँ, फाफ डुप्लेसिस ने मैच से पहले ही आज ही अपनी एसआरएच की प्लेइंग 11 जो है वो ऐलान कर दिया है, जहां पर अब क्या है प्लेइंग 11 चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों आरसीबी की टीम काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, तो इसी वजह से फाफ डुप्लेसिस ने जो प्लेइंग 11 घोषित करी है वो कुछ इस प्रकार से है। फाफ डुप्लेसिस, अनुज रावत, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, सुरेश प्रभुदेसाई, दिनेश कार्तिक, शाहबाज अहमद, हर्षल पटेल, वनिंदु हसरंगा, जॉश हेजलवुड और मोहम्मद सिराज। और इसके बाद चौथी अपडेट जो निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है आरसीबी की ग्रीन जर्सी को लेकर। दोस्तों आरसीबी ग्रीन जर्सी में हर साल एक मैच खेलती है, तो इस बार कौन सा मैच होगा जो कि वो ग्रीन जर्सी में खेलेगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रीन जर्सी में आरसीबी का रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब है, मैचेस काफ़ी कम जीते हैं, ग्रीन जर्सी में ज़्यादातर मैच हारे हैं, लेकिन गो ग्रीन इनिशिएटिव की वजह से आरसीबी हर साल एक मैच ग्रीन जर्सी में खेलती है और इस साल केवल 2 मैच आरसीबी डे में, मतलब दिन में खेलेगी। और सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि मतलब दो गेम हैं वो हैं, एक तो होगा मतलब गुजरात टाइटन्स के खिलाफ 26 तारीख को, और दूसरा मैच जो है ना वो होगा 8 मई को सनराइजर्स के खिलाफ। और जहाँ तक खबरें आ रही हैं उस हिसाब से जो सनराइजर्स के खिलाफ मैच होगा ना, उसमें आरसीबी ग्रीन जर्सी पहनती हुई नजर आएगी, क्योंकि उसके पीछे रीजन है और वो रीजन ये है कि
मतलब जो आरसीबी ग्रीन जर्सी में मैच हारती है और आरसीबी नहीं चाहेगी कि अभी वो मोमेंटम लूज करे, तो इसी वजह से वो ग्रीन जर्सी में जो मैच होगा वो लास्ट वाला मैच खेलेगी सनराइजर्स के खिलाफ 8 मई को। तो ये रही दोस्तों आज की चार बड़ी अपडेट्स आरसीबी को लेकर। दोस्तों आपके हिसाब से क्या आरसीबी सनराइजर्स के खिलाफ जीत दर्ज कर पाएगी या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और क्रिकेट और आईपीएल की हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें। धन्यवाद।